19 तारीख से अपने कल से क्वार्टरली एग्ज़ाम शुरू हो रही है। आप अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी सारा पढ़ लिया है। अब आज हम जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको दिख ही रहा है जेनेटिक्स से रिलेटेड है कि 200 मिला मेलेनिन रेस्टर पर सबसे पहले किसने कार्य किया था, तो इसका आंसर है मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था। जीवाणु पर संक्रमण करने वाला विषाणु है, कोई क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज, यानी बॉडी तो किसकी रहेगी, बैक्टीरिया की रहेगी और अंदर आनुवंशिक पदार्थ किसका रहता है, वायरस का रहता है। तो इसी जो बॉडी ऐसा जो जीव बनता है वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज। ठीक, फिर अगला है बिना फर्टिलाइजेशन के विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अनिषेक फलन, पार्थिनोपार्थी। फिर वंशावृत्ति का मूलसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटर और वावेरी नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसी कोशिका से पूर्ण पादप बनने की क्षमता, पहली बात करी हमने टोटिपोटेंसी, तो एक कोशिका से हमने असंख्य पौधे प्राप्त किए थे, ये क्षमता क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी, या शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण शक्तता, क्या कहते हैं, पूर्ण शक्तता, पर अपने को इंग्लिश टर्म ही याद करना है। फिर आगे अध्यावरणों से घिरा कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, याद करो आप जब हम ये ओव्यूल की संरचना ऐसे पढ़ते हैं तो ये बाहर की तरफ आवरण पाए जाते हैं, तो ये अंदर का गोलाकार भाग क्या कहलाता है, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव कवक का पादप जड़ के साथ सहजीवी संबंध, ये क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। जैसे शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन, इसी तरह कवक का जो उच्च पौधे होते हैं उनके साथ जो सहजीवी संबंध है, एसोसिएशन है, वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। इसके बाद इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो दो श्रृंखलाओं का बना होता है। कवक जगत में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो ये होता है कोनिडिया के द्वारा। लिवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, जो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो उनका लीवर बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, तो लीवर सिरोसिस लीवर का एक तरीके से कैंसर ही बोल सकते हैं इसको। तो इसका मुख्य कारक क्या है, एल्कोहलिज्म, एल्कोहल का सेवन करना। फिर मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम द्वारा होता है, तो यहाँ हम एक्स और वाई, एक्स वाई क्रोमोसोम, सिर्फ वाई नहीं लिखेंगे, वाई तो तब लिखा जाएगा जब लिखा जाता है कि लड़के का पुत्र होने के लिए कौन जिम्मेदार है, तब लिखा जाता है वाई क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो डीएनए अणु को काटने वाला एंजाइम कौन होता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, या इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेस एंडोन्यूक्लियस। ठीक, अगला है द्रव्यमान फॉलिकल से ओवम अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। फिर डीएनए खंड से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, तो वो डीएनए का खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है वो क्या कहलाता है, सिस्ट्रोन कहलाता है। फिर मिथोनिन को कोडित करने वाला कोडान है, कौन है, एयूजी। फिर अगला है आईयूसीडी संबंधित है टाइसे कॉपर डी से, ये जनसंख्या नियंत्रण की टेक्निक के अंतर्गत आता है। फिर किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थ की क्या करी थी, सबसे पहले खोज करी थी, किसने, फ्रेडरिक मिशर ने।
डीएनए में उपस्थित शर्करा है कौन सी? डीऑक्सीराइबोस। और आरएनए में उपस्थित शर्करा है राइबोस। फिर श्रृंखला प्रारंभ कोडान होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मैसेज जा रहा है, तो उसको सबसे पहले शुरू करने वाला कोडान वो कहलाता है श्रृंखला प्रारंभ कोडान, और ये होता है एयूजी। फिर लिखा जाता है टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है किस ग्रंथि में? थाइमस ग्रंथि है। ये थाइमस ग्रंथि की विशेषता होती है, ये प्रतिरक्षी तंत्र से संबंधित है। बच्चों में इसका आकार बड़ा होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये ग्रंथि आकार में छोटी होती जाती है, और अंततः वृद्ध लोगों के अंदर आते आते ये ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। इसीलिए वृद्ध लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है थाइमस, वो तो उनमें विलुप्त ही हो गई। और बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा क्यों होती है? आसानी से बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड उस समय क्या है, बहुत अधिक विकसित है। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन जो वंशागत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कभी कभी लाभदायक भी होते हैं, पर ज़्यादातर क्या होते हैं? हानिकारक। इसके कारण न ठीक होने वाले असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, फिर अगला है स्वपरागित समयुग्मजी पौधों से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? शुद्ध नस्ल वाली होती है, इसलिए लिखा हमने वो कहलाता है शुद्ध वंशक्रम। बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। और फल का निर्माण कहलाता है अनिषेक फलन, अभी लिखा है हमने। फिर अगला है मानव इंसुलिन किस जीव के द्वारा व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किया जाता है? तो एक जीवाणु होता है ई कोलाई, स्टीरिजिया कोलाई, इसके द्वारा मानव इंसुलिन निर्मित की जाती है। कीमोथेरेपी द्वारा किस रोग का उपचार किया जाता है? तो कैंसर का। फिर आगे देखिए आप अगला कि मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? ह्यूमिलिन। फिर देखिए जीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था जॉनसन ने। फिर जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया। देखो ये बिल्कुल नई चीज आई है, इसको कहा हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जनरली क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए लिखा हमने कि उल्टा हो रहा है। तो उल्टे होने को अपन क्या कहते हैं? रिवर्स, इसलिए कहलाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर देखिए जनसंख्या नियंत्रण की तकनीकें हैं, मेल में होगी तो वैसेक्टोमी होगी, पुरुष नसबंदी एनएसवीजी से कहा जाता है, और फीमेल में होगी तो ये कहलाएगी ट्यूबेक्टोमी। फिर देखिए अमीबा जीवाणु जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती है, ये अमर होते हैं। वैसे भी इससे पहले की वीडियो में एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि किस जीव को अमर माना जाता है, किसको? अमीबा को या एक कोशिकीय जीवों को। क्यों माना जाता है? क्योंकि जनक का शरीर संततियों में क्या होता है? वितरित हो जाता है, उनके अंदर बट जाता है, इसीलिए उस जीव की मृत्यु हो ही नहीं रही है, उसका शरीर ही बढ़ता जा रहा है, विभाजित होता जा रहा है, क्योंकि उसमें वर्धी जनन या अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, विनिषेचन या विसंलयन की क्रिया का अध्ययन किसने किया था? नवाश्चिन। स्पोरोफाइट या बीजाणुविद अवस्था किसमें मुख्य होती है? तो ये है एंजियोस्पर्म पौधे आवृत बीजियों में। किसी परागकोष की सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परत कौन होती है? तो सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस और सबसे भीतरी परत होती है एपिडर्म। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस लघु बीजाणु जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में
है, इसको कहते हैं हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर। फिर इसके बाद देखिए, निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं कौन होती है जो भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है, ओव्यूल में होती है। सिनर्जिक जो एग के दोनों ओर पाई जाती है, और रेफी चले जल सिरे पर जो एंटीकोडल सेल होती है। सिनर्जिक और एंटीकोडल सेल दोनों ही क्या होती है, निषेचन के बाद नष्ट हो जाती है। सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, टेस्टिस में या वृषण में। मानव अंडाणु होता है, मानव अंडाणु में योक नहीं पाया जाता है, और योक नहीं पाए जाने को क्या कहते हैं हम, अपित्तिकीय। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। विभेदन के दौरान स्पर्मेटिक संयोजित रहते हैं, कहाँ पर, सर्टोली की सेल्स में, किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये तीन जीव हैं, व्हेल, डॉल्फिन और हाथी। इन तीनों जीवों के टेस्टिस उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। एम्ब्रियो का क्या कार्य है, तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है फीमेल के यूटेरस में, उसको बाहरी नखों और आघातों से सुरक्षित रखता है। ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है, भ्रूणी अवस्था में, विकासी अवस्था में उत्पन्न होता है, और किस स्टेज में, गैस्ट्रुला अवस्था में। गोनोरिया का कारक है, गोनोरिया एक जीवाणुजनित रोग है, और इसके द्वारा होता है निसेरिया गोनोरिया। यौन संचरित रोग में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट नहीं